स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोलंकी फैमिली ब्लॉग्स पे। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहा करो, मौज में रहा करो। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब सुबह के हो रहे हैं 6:30 और देखो झाड़ू से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ झाड़ू पोछा ही दिखाया अपने ब्लॉग में कि मैं झाड़ू पोछा भी करती हूँ, तो आज झाड़ू से स्टार्टिंग कर रही हूँ। आज इस टाइम झाड़ू पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज इन्होंने बोला है कि सिर्फ मम्मी बनाना आज हमारे नमकीन चावल, तो खाना जल्दी ही बन गया था। नमकीन चावल तो कुकर में जल्दी ही बन गए, तो टाइम था अभी, तो मैंने सोचा पहले आज झाड़ू ही मार लेती हूँ, पोछा बाद में कर लूँगी जब ये स्कूल में चले जाएंगे। और इसको देखो, मेरे बेटे को इतना पढ़ाकू बेटा देखा है आपने कहीं? सुबह उठ के 6:30 बजे ये अपने टेस्ट की रिवीजन कर रहा है, बोल रहा है मम्मी मेरा टेस्ट है, मुझे एक बार और पढ़ना है, हिंदी का इसका कोई टेस्ट है। तो ये अपने टेस्ट की कर रहा है तैयारी, और क्या करें, प्रेशर है पढ़ाई का मेरे बेटे को। दुनिया भर के टेस्ट इसे सोने ही नहीं देते, कब हो जाता है सवेरा इसे नहीं पता है, इससे मत पूछो ना। चलो करती हूँ काम और देखते हैं आज ब्लॉग में क्या क्या बनता है, क्या कैसे वीडियो बनाती हूँ। करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, और जो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ये कमरा जो है ना ज़्यादातर रोहित मोहित का ही है। यहाँ वो ये है कि टीवी देखते हैं, और ये इनके स्कूल के कपड़े अब नहा के जो ये पहनेंगे, मैंने पहले ही रख दिए ताकि अपने आप जो हैं ये पहन लेते हैं, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। और ये जो है इनका, मैं कॉपियाँ इनके अलग रखती हूँ, ऊपर वाली जो है रोहित की, नीचे वाली मोहित की, और नीचे जो है ड्राॅइंग का सामान इनका। और ये जो है इनसे, ये अपने आप ही जचाई रखते हैं इनका, मैं भी नहीं उठाती, इनको पसंद है ये सब खेलना रखना, तो इन्होंने खुद ही रख रखा है। इनका तेल, कंघा, स्टडी टेबल, ये वाला रोहित का है, ये वाला मोहित का है। और इसको देखो ये क्या कर रहा है, ये अब करने चला गया है ब्रश, कि आज मैं जल्दी रेडी हो जाऊँगा, मेरी पढ़ाई भी होगी। वैसे भी मैं इनको 7 बजे तो उठाती ही थी, और 7 बजने में पेपर 15 मिनट है, और मैंने 2 कमरों में निकाल लिया झाड़ू। और ये इनकी छोटी सी चटाई है, जैसे नीचे बैठ के जब ये खाना खाते हैं, क्योंकि मैं इनको खाट पे बैठ के नहीं खाने देती, खाना गिरा देते हैं अभी ये, तो ये इनकी छोटी सी चटाई है, इस पर बैठ के ही खाना खा लेते हैं। तो चलो, ये महाराज अभी उठे हैं लेट लतीफ़, और अब ब्रश कर रहे हैं, फिर नहाने जाएगा। और वो जो है ये देख, कपड़े भी पहन लिए इसने। और यहाँ इसके पापा को देखो, थोड़ा सा गुस्सा सा आएगा कि इन्होंने सोचा दूध लेके आएगी मेरे लिए, और मैं कि ब्लॉगिंग कर रही हूँ, दूध देना होता है इनको। अभी ये सो के उठ के ही आए हैं, मुँह धो के इनको रेडी कर रहे हैं, अभी दूध लेके आती हूँ इनका। दोनों में से जो ना, ये मोहित थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव है, सारे काम अपने खुद ही कर लेता है शुरू से ही। जैसा होता है ना, एक बच्चे को सिखाओ फिर वो सीखता है, इसको सिखाने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप सब कुछ आता है इसको, सारे कपड़े खुद पहन लेता है। और रोहित को जो है करवाना पड़ता है, तब कल से पैंट पहनना। चलो तुम दोनों तो आ जाओ। तो अब टाइम हो रहा है 2:10 है, और रोहित मोहित आने वाले हैं, और मैं बनाऊंगी चाय। चाय के साथ थोड़े लेंगे नमकीन चावल, भूख से लग रही है थोड़ी सी। अब जो है हम थोड़ा सा आराम करके उठे हैं, आज नींद ही नहीं आई, सोने की बहुत कोशिश की। कभी कभी ऐसा होता है ना, मौसम चेंज हो रहा है तो नींद नहीं आती। मैं और मम्मी जो है 11-12 बजे से काम करके थोड़ी देर आराम करा करें, तो अब उठे थे हम। ये बनाऊँगी मैं चाय मम्मी की और मेरी, और रोहित मोहित देखते हैं क्या बनवाएंगे अपना, उनके लिए बनाऊंगी, वो आते ही नहीं खाते, थोड़ी देर आराम करके फिर खाते हैं। तो तब तक हम पी रहे हैं चाय, मैं और मम्मी थोड़े से खाएंगे नमकीन चावल। रोहित मोहित का हो रहा है वेट, वो भी बस आने वाले हैं, 2-3 मिनट में आते हैं। उठने के बाद मेरा ये काम होता है कि जितने बर्तन धोए हुए हैं पहले उनको मैं जचाऊँगी, और फिर चाय चढ़ाऊँगी मेरी और मम्मी की, अब इन सबको शिफ्ट करूँगी। और ये काम मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बर्तन जचाने का। धोने में खुश हूँ मैं, धुलवा लो कितने ही धो देती हूँ, पर जचाने के में मेरे को बोरिंग लगता है। चाय बना रही हूँ, मम्मी दिखाऊँ क्या कर रही है? मम्मी जो है आराम से बैठी है धूप में, देखो दिखाती हूँ, ये बैठी।
ये देखो आज फिर से पार्क जाने की तैयारी हो रही है दादी पोतों की। मम्मी जूते पहने जा रहे हैं क्योंकि इसका जो है इस लड़के का, इसने आज बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दी है, इसका जोनल में जो है सिलेक्शन हो गया है रेसिंग में। तो स्कूल वालों ने बोला है कि ये कॉम्पिटिशन्स के लिए बाहर जाएगा, फर्स्ट आया है ये रेसिंग में, तो इसका कंपटीशन होगा, इसलिए इसकी रेसिंग स्पीड जो है बढ़ानी है। तो ये पार्क में जा रहा है शूज़ पहन के, और उसके साथ साथ ये रोहित जो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, ये भी इसको भी दौड़ाया जाएगा। तो ये अपने जूते पहन पर रहे हैं गाइस ये स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के, में नहीं जाएगा क्योंकि सबसे लास्ट आए। पहन ले शूज, ये मम्मी ने भी जूते पहन लिए अपने, और इनकी दादी जा रही है साथ में, इनको इनका ध्यान रखेगी, इनकी रेस लगवाइए मम्मी ताबड़तोड़। तो इसलिए इनको पार्क लेके जा रही है मम्मी, और टाइम हुआ है अभी 5 से 6, ये पार्क में घूम के आएंगे 1 घंटा। इसका जो है पार्क में रेसिंग करना जरूरी है, इसका कंपटीशन है आगे। गए तू रह गया, जल्दी कर आके खा लियो। ये नवाब जी बेल्ट बांधे बिना जाते नहीं है। चलो अब डिनर की तैयारी करते हैं। डिनर में मैंने सोचा है कि अब आज बनाऊंगी चने की दाल, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछा है इनके पापा से, तो वो कह रहे हैं रोज़ ही हैवी खा रहा हूँ, आज चने की दाल खाने का बहुत मन है, तो इसलिए आज चने की दाल बनाऊंगी, और वो भी बस मेरी बनी रही है। मैंने चने की दाल पहले ही भेज दी थी बस, और इसका छोंक जो है देखो तैयार हो रहा है। बस अब फटाफट चने की दाल मेरी बन जाएगी। ये है कि वो भी आएंगे तो आते ही भूख भूख करेंगे, क्योंकि पार्क में से घूम फिर के आएंगे और भूख भूख ही बोलेंगे। टाइम हो रहा है 5:30, 5:30 हो रहे हैं, तो मैं इतने दाल बना लेती हूँ। अब जो है डिनर हो चुका है सभी का, मम्मी और छोटा जो है ऊपर छत पे घूमने गए हैं थोड़ी देर, और मुझे बस ये रसोई साफ करनी है और जो बर्तन है वो शिफ्ट करूँगी, और अब जो खाने पीने के ये बर्तन जो मैंने धोए थे, थोड़ी सी चटनी भी बनाई थी तो ये भी धोया था, सिलबट्टा भी, तो ये सारे बर्तन शिफ्ट करूंगी और अब खाने। ये है मेरी दूसरी रसोई, अब रोटी बनाई है ना तो सारा गंदा हो गया सेल्फ, ये सब कुछ रसोई की पूरी क्लीनिंग करूंगी बस, और सारे बर्तन शिफ्ट करूंगी, बर्तन धोऊंगी, फिर दूध का काम कर दूंगी, फिर छुट्टी। और ये दोनों जो हैं देखो रात के बज रहे हैं अभी 7, दोनों कर रहे हैं अपने कमरे में मस्ती, क्योंकि यहीं सोते हैं अपने दादा दादी के पास ही, तो दोनों बस ये पता नहीं क्या कर रहे हैं दीवार पे। हाँ कह रहे हैं मम्मी हम मच्छर मार रहे हैं, तो ऐसे ही अपना करेंगे। इनकी फ़ोटो है जो बड़ी करवाई थी जब ये छोटे छोटे थे, कृष्णा बनते थे, मैं हर साल इन्हें बनाती थी काना, अब नहीं बनते। पर ये मैं दूध का काम कर रही हूँ क्योंकि 7 बज रहे हैं,
दोनों कह रहे हैं कि मम्मी दूध लाओ, तो दूध दही जमा दूंगी इसमें से और पीने का हो जाएगा, सबका पीने का भी डाल दूंगी। ये सारे चूड़ियाँ मैंने रेनू के लिए मंगाई थी ऑनलाइन गिफ्टिंग में उसको, क्योंकि ना चूड़ियाँ बोझा पसंद है, उसका पूरा ड्रॉर भरा हुआ है चूड़ियों से, पर उसके लिए स्पेशली मैंने ये बुक करी क्योंकि ना मेरे को अच्छा लगा ये, मेरे को अच्छा लगा क्यों था क्यों क्योंकि ये देखो आप, क्योंकि मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उस हर सूट के मैचिंग की पहन, हाँ हर सूट के मैचिंग है, देखो देखो 1 2 3 4 5 6 सूटों पे काम, 6 सूट और बहुत अच्छी हैं देखो आप, और मुझे बहुत पसंद आई और मुझे ये लेके आए। तो आज के ब्लॉग का मैं कर रही हूँ एंड, दीपक जी भी आ चुके हैं ऑफिस से, खाना खा लिया है, आज थोड़ा लेट आए थे ये भाई। इनके ब्लॉग को सपोर्ट किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो यार, इतने टाइम से आप लोगों के लिए इतने अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं लोग यार, इतने अच्छे शॉर्ट्स डाल रहे हैं, मतलब आप लोग यार कमेंट नहीं करते यार, अच्छे से कमेंट्स किया करो, लाइक करे करो, कमेंट करना जरूरी है, पता क्यों मेरी मोटिवेशन मिलता है, मेरी नहीं सुनते ये, क्या पता आपकी सुन रही है यार, कहने के बाद भी कोई कमेंट नहीं कर रहा है यार, मोटिवेशन के लिए आप ऑब्वियसली बात है कि आपके कोई बिजनेस के लिए कोई कमेंट करेगा तो अच्छा लगेगा ना आपको कि यू आर वंडरफुल, ये वो कुछ तो कमेंट करो, अगर बैड लगे तो बैड करो, पता क्यों उसको बारे में पता चलेगा कि बंदा क्या गलत कर रहा है। ओके कमेंट अच्छा या बुरा जो भी हो अच्छा करो, थैंक यू। ओके गुड नाइट गाइज, आज का व्लॉग का करती हूँ एंड, और कमेंट जरूर करके जाना प्लीज़ गाइज, कमेंट किया करो, आज तो मेरे हस्बैंड ने भी आपको बोला है प्लीज़ कमेंट करो। ओके गुड नाइट।